फिर जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ये ले लिया मैंने आज पर्स। मैं आपको ना किसी दिन, मेरे पास फिर से हुए 2-3 पर्स ना, मैं आपको अपने पर्स की कलेक्शन बताऊंगी किस तरह के। और ये मैंने सफेद स्वेटर, ये पांच छह नहीं, पता कितने साल पुरानी है ये कोटी, पता कितने साल पुरानी है ये कोटी? छह सात 2015 में ली थी मैंने ये। हाँ 2015, 5 और 3 8 साल पुरानी कुर्ती है मेरी ये, और अभी भी ऐसी है जैसे अभी लियो। उस टाइम मेरे को सर्वाइकल नहीं था और मैं मतलब इसमें बंद गला है, मेरे को इस तरह के पसंद होते थे कि ताकि गला बंद रहे और ठंड न लगे। अभी जो है हम जा रहे हैं कपड़ों की, कपड़ों की क्या मतलब, थोड़े से एक पैंट शर्ट हमें जाना था, पर हम ऐसे जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं किसी काम से, गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। चले जी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। मेरे को देखिए गोलगप्पों की दुकान, गोलगप्पे गोलगप्पे की दुकान। ये क्या करूंगा, बोले ऐसा अपना काम कर, आई जा जाएंगे। तो सबसे पहले तो जाते ही भूख लगी थी मेरे को, मैंने आज ना घर में खाना नहीं खाया था, अचानक से बना। फिर मैंने यहाँ पे ना मेरा मन कर गया गोलगप्पे देख के खाने का, तो मैं यहाँ पे पहुंच गई। और ये ना नई शॉप खुली है दारला में बीकानेर वालों की, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो नई दुकान में चलते हैं, अच्छा बना है। ये देखो और फिर मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा कैसे दे रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे और भी खड़े हुए थे। खाने नहीं क्यों? यहाँ पे जी खंबा घड़ी कहाँ से? राजस्थान से हो? ये देखो ये जयपुर से हमारे बीकानेर मिष्ठान भंडार, बहुत अच्छी शॉप है इनकी। ये देखिए ये मेरे ख्याल से नहीं खुली है। तो चौमिन आ रही है और बड़े दिनों बाद आज मैंने कहा खा लेते हैं। हाँ जी बढ़िया, आज भी कुछ तो खास बात है, मैं सोचा मतलब पिपड़ी ये थोड़ी बात है। नहीं नहीं ये कुछ तो खास बात है अभी, ये आ गया हनी के चने समोसे। ये देखो पानी आ रहा है मेरे मुंह में। केरा ये फिर कल टेस्ट केरा टेस्ट है चने का। मस्त यार, ये जजने ना मीठी मीठी थोड़ी। फिर गुड ब्रांड के चने समोसे खाएगा।
तो ना खटगरी चला वाह मेरे को पता है आप लोग बोलने आ रहे हो कि खा ले जी भर के फिर रात को लग जाना बोलने शाम को हाय मेरे बीकानेर राजस्थान का स्वाद है चम्मच इनसे ही खाने पड़ेंगे दूसरे वाले के तो जी उसके बाद फिर हनी को गए थे हम कपड़े देखने और खा लिया था मैंने हाफ प्लेट उसकी चाउमीन की और हाफ मोमोज की। प्लीज़ आप लोग बोलेंगे ज़रूर क्योंकि मुझे पछता ही नहीं है फिर राड़ियाँ भी मैं लग जाती हूँ मारने दवाई खा रही हूँ। तो क्या था ना कि बहुत दिनों बाद गए बहुत दिनों बाद खाए मैंने जाते तो मैं रहती हूँ पर खाए बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पे फिर हनी को ये पैंट पहनी इसने तो पैंट मतलब मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कल तक वीडियो के क्या क्या लिया इन दोनों को पर अभी बस चेक कर रहे थे भी ये ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा ना मोटा भी है और ये भी तो इसको थोड़ी पैंट टाइट हो जाती है और शर्ट मेरे को ये बहुत सुंदर लगी। और हनी का क्या है ना मैं हनी के आपको सच्ची में बात बताऊँ शानू अपनी चॉइस की लेता है। हनी हमेशा देखेगा लास्ट में ज़रूर बोलेगा मम्मी कौन सा लूँ मतलब ये पता नहीं है क्या इसमें ये है कि बस मम्मी को जो पसंद आ गए ना वो लेने हैं। तो ये ऐसा बच्चा है तो अंदर ट्रायल रूम में जा रहा था बार बार चेक करने इसको टाइट हो रहे थे सारे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी बहुत सारे लोग थे जो कपड़े खरीद रहे थे क्योंकि अब शादियाँ भी आ रही है ना 9-10 की शादी है 6-7-8-9-10 और फिर 17-18 फिर उसके बाद 28 मतलब इस महीने बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो शर्ट तो इसने ये कर ली थी पसंद बस ये बाद में फिर मैंने दो दो क्वालिटी में थी है ना एक थोड़ी लो में थी एक थोड़ी हाई में थी तो हमने अच्छी वाली ली क्योंकि कभी कभी लेते हैं इनको 6 महीने बाद कपड़े 6 महीने बाद भी कभी कभी अगर शादी शुद्धि हो ऐसे नहीं लेते इनको ऐसे कपड़े बार बार। तो ये वाले ये चेक कर रहा था और यहाँ पे शीशे में देखने आ रहा था इससे लंबी शर्ट नहीं इसको ली मैंने मैंने कहा लंबा तो अब होगा नहीं है हाइट तो उसकी काफ़ी बढ़ गई है थोड़ा सा मोटापा है। फिर मैं यहाँ को इस वाले सेक्शन में अपने लिए देखने गई थी सबको देख रही थी फिर पता है क्या है बच्चों की खुशियों के आगे ना कई बार अपना मन मारना पड़ता है। अब इतना बजट नहीं था अब अच्छा इनको भी अच्छे लेने थे मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया शादी को कुछ भी नहीं लिया। वैसे मैं कल भी जाऊंगी अगर मुझे आ गया एक सूट पसंद है वैसे सूट बहुत है मेरे पास पर सिलाने को थे तो 500-600 रुपये तो सिलाई के लग जाते हैं। फिर मैंने बोला ऐसे ही ले लूँगी क्योंकि शानू को लेते शानू स्कूल में था तो उसके लिए उसको भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि फिर अब ना बड़े छोटे होते हैं फिर वापस करने की मुश्किल होती है बार बार कौन जाता रहे है ना मार्केट हमारे घर से दूर है तो इस तरह से हम नहीं जा सकते। तो अपने को था चॉइस लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा महंगे हैं 1500-1500 2-2000 की पैंटें हैं उससे नीचे पैंट भी नहीं है कोई बस 1000 से ऊपर शर्ट है उससे नीचे शर्ट भी नहीं है। अच्छा जो है भी 600-700 रुपये की वो उतनी अच्छी उसमें नहीं है फिर वो फट जाएंगी जल्दी। तो ये कपड़े ऐसे तो नहीं होते कि हम बार बार इनको खरीदें है ना। तो ये इसके लिए लोअर लिया सर्दियों का इसके पास ना एक भी लोअर नहीं था जो है ना वो फट गए हैं सारे तो मेरे को बड़ा ये हो रहा था मैंने कहा ये घाटा वादा तो चला रहता है ज़िंदगी में है ना बच्चों को कपड़े तो अच्छे पहना सकते हैं बाद में इन्होंने खुद कमाना है खुद पहनने अभी माँ बाप की उसमें पहन रहे हैं तो ये
तो शानू के लिए कपड़े नहीं हुए जी, क्योंकि खुद आना पड़ता, मेरे को बहुत प्यास लगी है। मम्मा ये था गुड़िया। और उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए, ठीक है। पर अभी एक हनी ने बोला कि मम्मी आगे ना एक शोरूम है दाड़ा घाट में ही है ये, उसको देख के आते हैं। पर हम वहाँ पे, मैंने कहा कपड़े नहीं ले सकते भाई, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि वो शो ऑक्टिवा का, ऑक्टिवा ही बोला ना उन्होंने, हाँ ऑक्टिवा का ही है। तो बस हम गए थे वहाँ पे और हमने वैसे लिए नहीं थे, पर मैंने कहा चलो देख के आते हैं ऐसा क्या है, इतना क्या महंगा है कि हनी की चॉइस थी कि मम्मी देखना है एक बार, मैंने कहा चलो देख के आते हैं। तो ये हम सियार से जा रहे हैं, परे मतलब दाड़ला से जा रहे हैं सियार को। ऑक्टिवा का, ऑक्टिवा मेटल, यहाँ पे नया खुला है ये शोरूम। कपड़े तो होते हैं बहुत अच्छे, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बस महंगे बहुत होते हैं। जितने में एक आना यहाँ पे उतने में हम दो ले लेते हैं, नॉर्मल हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उनका हमारा यही रहता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना उनकी पसंद के लूँ, जैसे उनको अच्छे लगते हैं, भले ही अपने को ना लूँ। बस हनी के पापा को लेना है एक लोअर, क्योंकि पैंट उनसे अभी वो पहनने नहीं जाती, उनकी टांग में प्रॉब्लम है ना, तो लोअर कंफर्टेबल रहते हैं उनके लिए। तो वो मैं कल दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या लिया। और ये देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा रही हूँ अभी, और ये भैया भी जो है ना वीडियो देखते हैं मेरी। और यहाँ पे मेरे को बहुत पुरानी फ्रेंड मिली मेरे को बीना, जो कि मैं बहुत खुश हुई उसको देख के, और उसने मेरे को एकदम से पहचान लिया। मैंने उसको नहीं पहचाना, सच्ची बता रही हूँ, मैंने नहीं पहचाना उसको। तो आगे जी हम कपड़े लेके अभी हनी को ही लिए, और अभी शानू को कल लेंगे, क्योंकि शानू को पसंद ही नहीं आ रहे हैं फ़ोन पे, बोला ये अच्छे नहीं है, उसको बोला था कि चल पड़ा आज, तो वो आया नहीं, और अभी हनी को ही लिए। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर को, और अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है, बहुत सारा, तो बस धीरे धीरे निपटाना है सारा। अभी हनी बोला था मम्मी दिवाली की लड़ियाँ लगानी है मैंने, तो हनी के पापा तो घर पे रहेंगे, वो नहीं जाएंगे शादी को, क्योंकि उनसे ना फिर ऐसे शादी ब्याह में उठने बैठने की दिक्कत होती है उनको। और फिर ऐसे क्या करना जाके, है ना, वो ऐसे तो नॉर्मल तो बैठ नहीं सकते ना, उनसे बैठा जाता है। तो हम अभी घर पहुंचने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड। जय माता दी, राम राम।